नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी अच्छी न्यूज़ बताने वाला हूं। काफ़ी सारे नए देश हैं जिन्होंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशंस लेनी शुरू कर दी है। शॉर्ट स्टे, लॉन्ग स्टे तो पहले ही हो गया था, शॉर्ट स्टे भी शुरू हो चुका है। और एक शेंगेन कंट्री है जिसने अपने बॉर्डर शॉर्ट स्टे के लिए भी खोल दिए हैं, एक रेगुलर टूरिस्ट के लिए। पहले फ्रांस ने स्टूडेंट्स के लिए खोले थे, अब उस नई कंट्री ने टूरिस्ट के लिए भी खोल दिए हैं। तो वो कंट्री कौन सी है और उसमें क्या क्या कंडीशंस है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा इस टाइम आपको क्या ध्यान रखना है ट्रैवल करने से पहले, और आपने अपनी वीज़ा फाइल करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका वीज़ा जो है वो आराम से अप्रूव हो जाए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन इसमें काफ़ी सारी आपको मिलेगी। और अगर आप नए दर्शक हैं इस चैनल पर, नई पहली बार आए हैं, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम लोग बनाते रहते हैं और फ्यूचर में भी बनाएंगे। सब्सक्राइब करने पर आप तक इसके अलर्ट पहुँचते रहेंगे। और कोई क्वेश्चन कंसर्न होता है तो उसे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका भी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके जो क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं शेंगेन को बताने से पहले साउथ ईस्ट एशिया को पहले बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चंस आ रहे थे थाईलैंड को लेके। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि थाईलैंड ने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन लेनी शुरू कर दी है, तो कुछ व्यूवर्स ने इस पर क्वेश्चन रेज करे थे कि ऐसा नहीं हुआ है। दूसरा, उसमें तो वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, तो मैंने उस टाइम आपको बताया था कि वीज़ा ऑन अराइवल की सर्विसेज जो हैं वो उन्होंने सस्पेंड कर दी थी। तो थाईलैंड ने 18 नई कंट्रीज़ की ऐसी लिस्ट निकाली थी जिसको वो ई वीज़ा ऑन अराइवल देना चाहते थे, यानी आप पहले से इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ऑन अराइवल लेकर वहाँ पर जा सकते हैं, ई वीज़ा कह लीजिए इसे आप। तो ये क्या चीज़ है, इसके लिए ये है कि सिर्फ थाईलैंड आपको कहता है जी आप आकर वीज़ा ऑन अराइवल ना लें, आप पहले से ही वीज़ा ऑन अराइवल लेकर आएँ, आप ई वीज़ा ऑन अराइवल पहले से अपना आराम से ले सकते हैं। अगर आप इसे लेकर जाते हैं तो आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, दैट्स इट। आप इजीली उसको फिल करिए, उसको सेंड करिए। उसकी दो तरह की फीस लगती हैं, 600 बात और 2500 बात। 600 बात हो गए 1200, 2500 हो गए 5000 के आसपास। इतना डिफरेंस क्यों? 600 वाला एक स्टैंडर्ड है, रेगुलर है, वही जिसमें आपको 3 से 4 दिन के अंदर वीज़ा मिलता है। और 2500 वाला यानी 5000 जिसके रुपए लगते हैं वो है जो एक्सप्रेस वाला है, थोड़ा सा उसमें फास्ट काम होता है और आपको एक दिन के अंदर वीज़ा मिल जाता है। ई वीज़ा ऑन अराइवल की सर्विसेज जो है वो VFS ग्लोबल डील कर रहा है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते हैं। सेकंड आ जाता है मलेशिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि मलेशिया ने अपनी एप्लीकेशन जो है वो रिज्यूम कर दी है, तो भी काफ़ी सारे व्यूवर्स के क्वेश्चन आए थे। तो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सही है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि वहाँ पर जाना है या नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि आपकी रेगुलर फ्लाइट्स भी तो रिज्यूम होनी चाहिए। अगर आपके जाने का रीज़न काफ़ी स्ट्रांग है तो ही आप जो वंदे भारत मिशन के अकॉर्डिंग कुछ फ्लाइट्स हैं उसको लेकर जा सकते हैं। और रेगुलर फ्लाइट्स के लिए तो आपको थोड़ा सा अभी वेट ही करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि रेगुलर फ्लाइट्स जो है मलेशिया के लिए इतनी जल्दी रिज्यूम होने वाली है। सितंबर में उसकी आशंका लगाई जा रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि सितंबर के एंड तक ये बैन जो है एक्सटेंड हो सकता है। तो अगर आप मलेशिया जाना चाह रहे थे, उसका पहले से वीज़ा लेना चाहते हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि आप मलेशिया का पहले से वीज़ा लेकर जा सकते हैं। इसकी सर्विसेज भी VFS ग्लोबल हैंडल कर रहा है। अब मैं आपको वो शेंगेन कंट्री बता देता हूं जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया था कि जिसने अपनी शॉर्ट स्टे वीज़ा एप्लीकेशन को रिज्यूम कर दिया है, तो वो है इस्टोनिया। अगर आप शेंगेन एरिया में जाना चाहते हैं तो इस्टोनिया ने अपने डोर्स ओपन कर दिए हैं और उन्होंने शॉर्ट स्टे वीज़ा देना शुरू कर दिया है। अब इसीलिए काफ़ी लिमिटेड डेट्स और लिमिटेड सीट्स को रिलीज़ किया गया है, तो आप उसके लिए VFS ग्लोबल में डायरेक्ट जाके इसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका प्रोसेस काफ़ी आसान है, आपकी 6 मंथ की अकाउंट स्टेटमेंट, 3 साल की ITR, आपका कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, अगर आपके पास एसेट्स के कुछ पेपर हैं वो, आपका पासपोर्ट, फोटोग्राफ्स, वीज़ा फॉर्म, कवरिंग लेटर, कुछ आप अपने ट्रैवल आइटनरी बनाइए और कुछ होटल वाउचर्स बनाइए। जब आप वीज़ा फॉर्म फाइल करें तो उसमें बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाकी इक्का दुक्का कहीं पर अगर लेटर में हो भी जाती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपके पासपोर्ट नंबर, आपके नाम, होटल के नाम, फ़्लाइट का नंबर जो होता है, जिस फ्लाइट नंबर को आप लेकर जा रहे हो, और वीज़ा फॉर्म पर दी हुई डिटेल्स और कवरिंग लेटर पर लिखे हुए आपके पासपोर्ट डिटेल्स और आपका नेम एज़ पर पासपोर्ट, ये बिल्कुल भी इनमें मिस्टेक ना हो। तो आप कभी भी अपनी फाइल कहीं से भी कंप्लीट कराएं तो उसके बाद खुद भी क्रॉस चेक करिए क्योंकि अब फाइलिंग काफ़ी शुरू हो चुकी है। तो ये मैं आप लोगों को पहले से बताना चाह रहा था। तो जर्मनी ने अभी अपने स्टूडेंट वीज़ा, ट्रांसिट वीज़ा, सी फेयरर वीज़ा को ही रिज्यूम किया है। उसके लिए उन्होंने अभी शॉर्ट टर्म वीज़ा का अभी कोई रिजम्पशन नहीं रिलीज़ किया है। तो व्यूवर्स बता रहे थे कि उन्होंने कहीं से सुना है,
तो मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि कहीं पर भी अप्लाई करने से पहले अपनी तरफ से भी क्रॉस आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है, हो सकता है कि मैं कोई अपडेट आपको दे रहा हूं, जब तक आप ये अपडेट सुने ये चेंज हो चुका हो, ऐसा भी हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो एज ऑफ नाउ तो कोई जर्मनी ने शॉर्ट टर्म वीजा शुरू नहीं किया है, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक वो शुरू हो जाए। तो हमेशा आप जब भी एप्लीकेशन अपनी बनाना शुरू करें तो उसकी डिटेल्स को क्रॉस वैलिडेट एडवांस में करके चलें। अनदर गुड न्यूज़ है वो आयरलैंड की तरफ से है। आयरलैंड ने भी अपने लॉन्ग टर्म वीजा शुरू कर दिए हैं। आयरलैंड ने तो बिल्कुल ही अपने दरवाजे हर तरीके से बंद किए हुए थे, तो काफी सारे व्यूवर्स थे, काफी सारे हमारे क्लाइंट्स थे जो बड़े परेशान थे, जिनके रिलेटिव्स वहां पे आयरलैंड में रहते हैं और उनके पास कोई तरीका नहीं था आयरलैंड जाने का। तो अब रिसेंटली आयरलैंड ने अपने जो है लॉन्ग टर्म वीजा एप्लीकेशन को रिज्यूम कर दिया है, तो अगर आप आयरलैंड जाना चाहते हैं तो वो थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ है। आप इनविटेशन वगैरह वहां से मंगाएं, जो भी आपके रिलेटिव रहते हैं आयरलैंड में उनसे इनविटेशन मंगाएं, उनका रेजिडेंस प्रूफ मंगाएं, उनका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ मंगाएं, अगर वो स्टूडेंट है तो उनका जो एडमिशन लेटर्स वगैरह हैं वो मंगाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी करें जिसमें 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट, 3 साल की ITR, आपका कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, आपके नाम पे जो भी असेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, FD है, PF है, जो भी है वो साथ में अटैच करें, वीजा फॉर्म, कवरिंग लेटर, ट्रैवल आइटनरी, और अगर आप किसी होटल में रुक रहे हैं तो उसके वाउचर्स, ये सारी डिटेल्स मर्ज करके आप वीजा फाइल कर सकते हैं। आई होप रिजल्ट्स आपके फेवर में आए। पोलैंड ने भी अपनी लॉन्ग टर्म वीजा एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, तो पोलैंड के शॉर्ट टर्म के काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफी सारे विजिटर्स हैं जो पोलैंड जाना चाह रहे हैं, तो मैं इनको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि ये एक्सपेक्टेड था कि सितंबर में पोलैंड अपने शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीजा रिज्यूम करेगा, लेकिन अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। हो सकता है कभी भी आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, अगले हफ्ते आ जाए या 15 दिन बाद आ जाए। एक्चुअल में क्या है, सिर्फ ये आप ये देखिए, इन्फेक्शन रेट इंडिया का 70,000 प्लस ही चल रहा है इतने टाइम से, तो उसकी वजह से हर काफ़ी सारे देश जो हैं वो थोड़ा सा डिले कर रहे हैं अपने प्रोसेसेस को रिज्यूम करने में। तो जैसी ये ट्रेजेक्ट्री थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, आप देखिएगा तुरंत सारी चीज़ें अपने आप ऑर्डर में आ जाएंगी। सेम अपडेट पुर्तगाल यानी पोर्चुगल का भी है। तो पोर्चुगल ने इंडिया में अपने कुछ कॉन्सुलेट्स में लॉन्ग टर्म वीज़ा की एप्लीकेशंस लेनी शुरू कर दी है, वो भी काफ़ी लिमिटेड। तो अगर आप पुर्तगाल जाना चाह रहे थे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर पोर्चुगल में आपका कोई रिलेटिव है और आपके पास स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन लेटर और अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप पोर्चुगल के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी न्यूज़ है स्विट्जरलैंड की तरफ से। स्विट्जरलैंड ने भी अपने लॉन्ग टर्म वीज़ाज लेना शुरू कर दिया है। अब देखिए, आप कितनी बार लॉन्ग टर्म वीज़ा सुन चुके हैं और आपको लग रहा होगा कि मुझे तो शॉर्ट टर्म में जाना है तो लॉन्ग टर्म तो मेरे काम का नहीं है। ऐसा नहीं है, ये फेज वाइज ही होता है। लॉन्ग टर्म में कोई ना कोई अगर आपके पास इन्विटेशन है तो आपको हेल्प मिलेगी, जिनके पास इन्विटेशन नहीं है अगर वो शॉर्ट स्टे में जाना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट लॉन्ग स्टे तो खुलना शुरू हुआ। इंडिया में इतना हाई इन्फेक्शन रेट है उसमें भी अगर वो लॉन्ग टर्म वीज़ा देने के लिए राजी हो गए तो भी एक अपने आप में एक अच्छी अचीवमेंट है। थोड़े ही दिनों में आप देखिएगा स्विट्जरलैंड भी अपने शॉर्ट स्टे लेना शुरू कर देगा, जैसे कि इस्टोनिया किया है, जैसे फ्रांस ने अपने स्टूडेंट्स के लिए किया है। तो फाइनली US पे बात आ जाती है। US पे लेके भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो US के लिए मैंने आपको स्पेसिफिकली एक बार बताया था कि आप अगर US एम्बेसी से अपना अप्रूवल ले लेते हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। काफ़ी सारे विजिटर्स जिनके पास ऑलरेडी US वीज़ा थे वो US ट्रैवल कर चुके हैं, वन वे टिकट लेकर वो US जा भी चुके हैं। अगर आपके पास US वीज़ा है तो आप जा सकते हैं, वंदे भारत मिशन के अकॉर्डिंग आप अपनी फ्लाइट बुक करके वहां पर जा सकते हैं। और अगर आप फाइल करना चाहते हैं अपने वीज़ा को तो उसके लिए आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। हम आपका वीज़ा तभी फाइल कर पाएंगे जब हमारे पास अप्रूवल आएगा। आपका अप्रूवल हम US एम्बेसी से लेंगे, ये चाहे तो आप खुद भी कर सकते हैं। आप US एम्बेसी में डायरेक्ट कॉल करके अपने लिए अप्रूवल ले सकते हैं। आपका अप्रूवल मिलता है जब आप वीज़ा फाइलिंग अपनी शुरू करते हैं, फॉर्म D-160 अपना फाइल करते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कौन से इमरजेंसी केसेस में आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आपके जाने का रीज़न स्ट्रॉन्ग है तो वीज़ा मिलने के चांसेस अच्छे हैं, लेकिन अगर हम रेगुलर टूरिस्ट वीज़ा की बात करें, B1 B2 की बात करें, तो उसके लिए थोड़ा सा डिले होगा। सितंबर से ही उसकी उम्मीद की जा रही थी US के लिए भी, लेकिन सिंस ट्रेजेक्ट्री इज़ क्वाइट हाई इन इंडिया एज वेल एज़ इन US, तो हो सकता है वो थोड़ा सा और डिले हो जाए, या सितंबर के लेटर हाफ में, या हो सकता है अक्टूबर तक ये बात चली जाए। लेकिन अगर आपके पास जाने का रीज़न स्ट्रॉन्ग है तो US आप अभी भी जा सकते हैं। तो ये थे वो सारे अपडेट्स जो मैं आप तक बताना चाह रहा था। और भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जो आने वाले वीक्स में हमें बताई गई हैं कि काफ़ी स्टेटमेंट्स रिलीज होंगी अलग अलग एम्बेसीज में, अलग अलग मीडिया चैनल्स के थ्रू, तो हम उसकी सारी डिटेल्स लेकर आपके पास आएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वर्क वीज़ा से रिलेटेड जितने भी कंसर्न्स आपके पास हैं आप उसे स्टारफिशर में जाकर अपने वो सारे कंसर्न्स, वो जो जो देश में आप जाना चाहते हैं उनकी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं और वहीं पर कमेंट कर सकते हैं। उसी चैनल पर आपके कमेंट के अकॉर्डिंग नई वीडियोज़, नई इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाएंगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।